नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे प्रवासी भारतीयों के बारे में। ठीक है, प्रवासी भारतीयों की हम लोग पृष्ठभूमि देखेंगे। भारत जो आखिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, आखिर इसे भी देख लेंगे। प्रवासी भारतीयों की वैश्विक स्थिति क्या है, उसको भी देख लेंगे। प्रवासी भारतीयों का वर्गीकरण किस प्रकार है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। प्रवासी भारतीयों का महत्व आखिर क्यों है, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रवासी भारतीय समुदाय की समस्याएं क्या है, आखिर उन्हें भी देखेंगे। प्रवासी भारतीय समुदाय को जोड़ने में सरकार की भूमिका क्या है, उसे भी देखेंगे। प्रवासी भारतीय समुदाय पर विश्वास का प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा होता है, उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आता है कि प्रवासी आखिर होते कौन है, प्रवासी भारतीय होते कौन है। तो एक सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखना है, जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में बसे हैं उन्हें हम लोग प्रवासी भारतीय कहते हैं। जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे उन्हें हम प्रवासी भारतीय कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग की ओर से जारी अंतरराष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक 2019 रिपोर्ट में यह बताया गया कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की संख्या 1.75 करोड़ हो गई। कितनी है? 1.75 करोड़। तो आपको सबसे पहले याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग की ओर से। प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत, मैक्सिको और चीन क्रमशः पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत पहले स्थान पर है, ठीक है, याद रखना है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय प्रवासियों की संख्या में लगभग 23 यानी कि 23% की वृद्धि हुई है। प्रवासियों की कुल संख्या वर्तमान आबादी का 3.5% है। नौकरी, उद्योग, व्यापार और दूसरे अन्य कारणों से अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में रहने वालों में भारतीयों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों कार्य से लेकर अनेक देशों के कानून और अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने वाली संस्थाओं का प्रमुख हिस्सा बनने में भारतीय कामयाब रहे। आपने देखा होगा कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी भी हैं जहां हमारे भारतीय आप्रवासी उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। कई देशों में तो मंत्री और पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं आप प्रवासी भारतीय। इस आलेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रवासी भारतीय किस तरीके से एक नई ताकत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरे हैं और अलग अलग देशों में भारत के रिश्तों को लेकर उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी जानेंगे कि पिछले 1 दशक में भारत ने किस प्रकार उनका समर्थन हासिल किया और उनका क्या परिणाम रहे हैं। देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान के महत्व को मान्यता देने और देश से जोड़ने हेतु मंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। वर्ष 1915 में 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी आपके दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, तभी से आपका 9 जनवरी इसीलिए 9 जनवरी को आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर की थी। तो अगर पूछ ले कहीं आपसे कि भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की थी, तो याद रखना है आपको लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक, आंसर राइटिंग है तो डालने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट रहते हैं। ठीक, वर्तमान केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यदि किसी विदेशी दौरे पर जाता है तो वह उस देश में रह रहे प्रवासी भारतीयों के बीच अवश्य जाते हैं। इससे प्रवासी
भारतीयों के मन में अपनेपन की भावना जन्म लेती है, वे भारत की ओर आकर्षित भी होते हैं। भारतीय ब्रांड एंड को ब्रांड गेन में बदलने के लिए भारत सरकार विदेश में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में जाने वाले कामगारों के लिए अधिकतम सुविधा, न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस मनाने का आखिर उद्देश्य क्या है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को मंच प्रदान कर उनको दुनिया के सामने लाना। प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच भावना की अभिव्यक्ति, देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। विश्व के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बनाना है। युवा पीढ़ी को प्रवासियों से जोड़ना और विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों की कठिनाइयां जानना तथा उन्हें दूर करने के प्रयास करना भारतीय प्रवासी दिवस मनाने के प्रमुख उद्देश्य हैं। बात करते हैं प्रवासी भारतीयों की वैश्विक स्थिति क्या है आखिर। खाड़ी देश में लगभग 8.5 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो दुनिया भर में प्रवासियों का सबसे बड़ा संकेंद्रण है। अरब प्रायद्वीप की भौगोलिक और ऐतिहासिक निकटता इसे भारतीयों के लिए एक सुविधाजनक स्थान बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 5 मिलियन भारतीय रहते हैं। यह मैक्सिको के बाद भारतीयों का दूसरा सबसे अधिक संकेंद्रण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2020 के अंत में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी भूमिका है, लेकिन याद रखिए पिछली बार चुनाव हुआ तो इसमें प्रवासी भारतीयों ने डोनाल्ड ट्रंप को कम ही समर्थन दिया था। इसके अतिरिक्त कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल सहित अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है। बात करते हैं प्रवासी भारतीयों का वर्गीकरण, देखते हैं प्रवासी भारतीयों का वर्गीकरण। बात करते हैं अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय का अर्थ ऐसे नागरिकों से जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, या जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के निवासी हैं के रूप में मानदंड को पूरा नहीं करता है, वह भारत का निवासी नहीं है, उसे आयकर देने के लिए अनिवासी भारतीय माना जाएगा। भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब होता है एक विदेशी नागरिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, श्रीलंका और नेपाल को छोड़कर से है, जो किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारक हो, या फिर वह या उसके माता पिता, पिता भाई दोनों ही भारत में जन्मे हों, या भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभावी होने से पूर्व से भारत के स्थायी नागरिक हों, या इस अवधि के बाद किसी क्षेत्र के भारत का अभिन्न अंग बनने से पूर्व वहां के निवासी हों। बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रवासी भारतीयों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक क्षरम नागरिकता योजना बनाई गई, जिसे हम लोग विदेशी भारतीय नागरिकता आमतौर पर OCI कार्ड धारक के रूप में जानते हैं। प्रवासी भारतीयों को अनिवासी भारतीयों के समान सभी अधिकार दिए गए। बात करते हैं हम लोग प्रवासी भारतीयों का महत्व आके इतना क्यों है। स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने के लिए किया गया महात्मा गांधी का संघर्ष आधुनिक भारत में प्रवासी भारतीयों से स्वयं को जोड़ने के लिए एक प्रेरणादायक किंवदंती बन गया है। प्रवासी भारतीय प्रमुख देशों के राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए एक बाहक बन गए। सांस्कृतिक विस्तार में विस्तार के रूप में प्रवासी विभाषण का कार्य केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक विस्तार भी है। सिख समुदाय भारत के सबसे बड़े प्रवासियों में से एक है। ये यूके, कनाडा,
और कई अन्य देशों में निवास कर रहे हैं तथा संस्कृत भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित करा रहे हैं। प्रेषण, किसी अन्य देश में निवास कर रहे कर्मचारी द्वारा अपने देश में किसी व्यक्ति को पैसे का हस्तांतरण करना ही प्रेषण है। प्रवासियों द्वारा घर भेजा गया पैसा विकासशील देशों के सबसे बड़े वित्तीय प्रवाह में से एक है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक पेंशन प्राप्त करने वाले के साथ भारत ने दुनिया के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। प्रवासी परिवर्तन के वाहक के रूप में यह प्रवासी निवेश को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने, औद्योगिक विकास में तेजी लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्य करता है। सर, आपका तकनीकी विकास और उद्यमिता सक्रिय प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों के पोषण और सामाजिक आर्थिक विकास में वृद्धि करने में प्रमुख योगदान तकनीकी क्षेत्र का भी रहा है। कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय मूल के व्यक्ति निर्णायक पदों पर आसीन है, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक इत्यादि शामिल है। वैश्विक कद में वृद्धि, प्रवासी भारतीयों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता एक वास्तविकता बन सकती है। भारत ने नवंबर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी की पुनः नियुक्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र में दो तिहाई मत हासिल कर अपने राजनयिक प्रभाव का प्रदर्शन किया है। राजनीतिक दबाव, मंत्री स्तरीय और राजनयिक स्तर की पैरवी के अलावा भारत सुरक्षा परिषद की सदस्यता का समर्थन करने के लिए विभिन्न देशों में मौजूद अपने प्रवासी भारतीय समुदाय का लाभ उठा सकता है। आपकी प्रवासी कूटनीति, एक बड़े प्रवासी समूह के होने से अमूर्त लेकिन महत्वपूर्ण लाभ प्रवासी कूटनीति है। ऐतिहासिक रूप से भारत को अपने प्रवासी भारतीयों से लाभ हुआ है, चाहे वह विदेशों से भेजे गए पेशण के रूप में हो या फिर वर्ष 2008 में यूएस इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिल की पैरवी में। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय समुदाय की आखिर समस्याएं क्या है। नस्लीय विरोध, नस्लवाद के कारण स्थानीय लोगों द्वारा भारतीयों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कई देशों में अति राष्ट्रवादी सरकारों के सत्ता में आने से सांप्रदायिकता की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आतंक, मध्य पूर्व के देशों यमन, ओमान, लीबिया, सीरिया आदि में सांप्रदायिक संकट, बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां और युद्ध प्रवासी भारतीयों के लिए प्रतिकूल वातावरण निर्मित कर रही है। आपका संरक्षणवाद, प्रवासी लोगों के कारण नौकरियों और शैक्षिक अवसरों को खोजने के लिए डर के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में सख्त वीजा नियम लागू किए जा रहे हैं। बात करते हैं प्रवासी भारतीय समुदाय को जोड़ने में सरकार की भूमिका क्या रही है। 2004 में प्रवासी भारतीय समुदाय की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना की। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं और उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत को जाने कार्यक्रम, भारत को जाने कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से 26 वर्ष आयु वर्ग के प्रवासी युवाओं को देश के विकास और उपलब्धियों से परिचित कराना और उन्हें उनके मूल देश से भावनात्मक रूप से जोड़ना है। भारत का अध्ययन कार्यक्रम, भारत का अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत के इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक विकास से परिचित कराने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में लघु अवधि के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय मूल के प्रवासियों और गैर प्रवासी भारतीय छात्रों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मानवीय मानकी, वाणिज्य प्रबंधन, पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि और पशुपालन आदि विषयों में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 100 छात्रों को प्रतिवर्ष प्रति छात्र $4,000 तक की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
आपका प्रवासी भारतीय बीमा योजना। इस योजना के तहत विदेश गमन की अनुमति मिलने के बाद रोजगार के लिए विदेश गए प्रवासी भारतीयों की मृत्यु अथवा विकलांगता पर नामित अधिकारी व्यक्ति को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है। आपका महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। इस योजना को प्रायोगिक तौर पर 1 मई 2012 को केरल में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विदेशी भारतीयों भारतीय कामगारों को बढ़ावा देना और सक्षम बनाना है। इसके अतिरिक्त वापसी एवं पुनर्वास की सुरक्षा, उनके पेंशन की सुरक्षा और प्राकृतिक मौत की दशा में जीवन बीमा लाभ दिलाने में सरकार के द्वारा मदद प्रदान करना। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय समुदाय पर विश्वास का प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा होता है। आखिर प्रवासी भारतीयों का समर्थन ना तो स्वचालित है और ना ही निरंतर। उनके हितों में भारत की प्राथमिकता सीमित है। उदाहरण के लिए अमेरिका में भारतीय समुदाय H-1B वीजा कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के ट्रंप के प्रस्ताव की आलोचना करने में पर्याप्त मुखर नहीं था, क्योंकि इससे कई भारतीय लाभान्वित हो रहे थे। एक चुनौती यह भी है कि प्रेषणों का उपयोग हमेशा लाभकारी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि खालिस्तान आंदोलन में जैसे चरमपंथी आंदोलन के लिए विदेशी फंडिंग के कारण भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ा। ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय की उपस्थिति में इस वर्ष होने वाले चुनावों में ट्रंप को अपने वोट बैंक के रूप में दिख रही है, जबकि प्रवासी भारतीय समुदाय के अधिकांश लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर रहा है। विदेश नीति को निर्धारित करने में भारत को प्रवासी भारतीय समुदाय का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि नेपाल और श्रीलंका की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप से भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आगे की आखिर राय क्या है? भारत को विदेश नीति का निर्धारण करते समय स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसी बहु प्रमुख परियोजनाओं के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को अपना ध्यान प्रवासी भारतीयों पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वे भारत के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है। तो चलिए, ये था आपका प्रवासी भारतीयों के बारे में जो आपके सवाल थे, लगभग सभी के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है।